नमस्कार दोस्तों, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पोहे के कटलेट्स बनाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्प होते हैं और टेस्टी लगते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस पोहे के कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी पोहा लिया है। इसे हम वॉश करके छान लेंगे। पोहे को हमने धो के इस तरह से छान लिया। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें हम ये धुले हुए पोहे डालेंगे। इसमें हम दो उबले मैश किए हुए आलू डालेंगे। इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच मिर्च पाउडर, गरम मसाला आधा चम्मच, एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे और एक चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसका डो रेडी हो गया है। अब हम एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मीडियम आंच पर हमने तेल गरम होने रख दिया है। अब हम मैदे की स्लरी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 4 चम्मच मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे पहले और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसे अच्छे से घोल लेना है। तो इस तरह से हम मैदे का एक एक पतला सा पेस्ट बनाएंगे ऐसे लिक्विड फॉर्म में। तो चलिए कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो ये डो हमने बना के रखा था, ये मैदे का पतला पेस्ट बना लिया और ये ब्रेड क्रम्स ले लिया हमने। अब हम इसमें से एक छोटा पोर्शन निकालेंगे, इसकी टिक्की बनानी है हमें। तो इस तरह से इसे अच्छे से शेप दे देंगे गोल। तो इस तरह से हमने इसकी टिक्की बना ली। अब हम इसे इस मैदे के पेस्ट में डालेंगे और इसे अच्छे से डिप करेंगे इसमें। अब इसमें हम ये ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। सेम फिर हम एक छोटा पोर्शन लेंगे, उसकी टिक्की बनाएंगे। तो तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये कटलेट्स डाल देते हैं। और इसे गोल्डन ब्राउन हमें डीप फ्राई करना है। दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो एक तरफ से तो इसका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब दूसरे साइड भी हम चेक कर लेते हैं। इसे थोड़ी देर और हम फ्राई होने देते हैं। तो अब ये अच्छे से फ्राई हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी ये नाश्ता बन जाता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं ये। तो इस तरह से हम सारे कटलेट्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे कटलेट रेडी हो गए। फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।